एक खास वजह है कि मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार का भगवान ही मालिक है। मगर सबसे पहले इन चेहरे पर गौर कीजिए, और वो फिल्म निकाह का कौन सा गाना है? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। किरण रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर थे, उन्हें लॉ मिनिस्ट्री से हटाकर लगभग जमीन पर ला दिया गया है, क्योंकि अब उनके पास अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री है। लगभग जमीन यानी अर्थ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है। वो किरण रिजिजू जिन्होंने रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल भारत विरोधी बताया था, वो किरण रिजिजू जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बताया था, वो किरण रिजिजू जो बार बार हमारे जजेस को धमकाने का काम कर रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से हटा दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप पत्रकार विजेता सिंह के इस ट्वीट पर गौर करें जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पत्रकार विजेता सिंह यहां क्या कहती हैं? किरण रिजिजू को हटाए जाने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। ये मुलाकात जो है ना दोस्तों, बहुत रहस्यमय बन गई है। आखिर क्या वजह है कि किरण रिजिजू को हटाने के लिए या हटाने से पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल ने उनसे मुलाकात की? सत्ता के गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, कई ऐसी शॉकिंग चर्चाएं हो रही हैं जिसको मैं यहां नहीं पेश कर सकता क्योंकि उसके सबूत मेरे पास इस वक्त नहीं है। मगर इसी मंच पर उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको आगे लाऊंगा, बशर्ते वो प्रमाण मेरे पास होंगे। मगर हां, किरण रिजिजू के बारे में मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले यह बयान देखिए, इस बयान में उन्होंने क्या कहा है। भारत विरोधी गैंग में शामिल हैं कुछ रिटायर्ड जज, देश के खिलाफ किसी को भी कीमत चुकानी होगी। आगे क्या कहते हैं, कुछ रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट इस कोशिश में हैं कि न्यायपालिका विपक्ष बन जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कुछ रिटायर्ड जज भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है। यही नहीं, राहुल गांधी के बारे में किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं और विदेशी ये नहीं जानते कि वो पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, मगर दिक्कत यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों से देश को नुकसान होता है। इस तरह से बयानात जो है यह शख्स देता था, और राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, राहुल गांधी विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन में झूठ बोला, देश को बदनाम करने का हक किसी को नहीं, संसद को नीचा दिखाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। बार बार यह शख्स विपक्ष को धमकाता रहा, और यह ना भूलें दोस्तों, इन्होंने हमारे जजेस को भी नहीं बख्शा था। कोलिजियम वाले विवाद के मुद्दे पर ये मिल गए थे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ, और दोनों लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रहे थे। सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। किरण रिजिजू के बयानों की वजह से सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच में रिश्ते खराब हो रहे थे। अगला एक साल चुनावों का साल है और मोदी सरकार चाहती है कि रिश्ते खराब ना हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बना दिया है जिससे उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। पहले रिजिजू बाहर, दूसरा उनकी जगह कोविड के समय, कोरोना के समय भाभी जी पापड़ वाले को कोरोना का इलाज बताने वाले अर्जुन मेघवाल को मंत्री बनाया गया है। मैंने कहा एक तीर से दो शिकार, पहली बात यह दोस्तों कि रिजिजू को बाहर कर दिया, दूसरी बात अर्जुन मेघवाल की पृष्ठभूमि किसकी है, राजस्थान की है। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव है, इसलिए अर्जुन मेघवाल को मंत्री बनाना यानी राजस्थान को एक संदेश देना। वैसे अर्जुन मेघवाल जी वो सज्जन हैं जिन्होंने कोरोना के जमाने में भ्रामक प्रचार किया था और यह कहा था कि अगर आप भाभी जी पापड़ वाले खाएंगे, भाभी जी पापड़ वाले खाएंगे तो इससे कोरोना भाग जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है
जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी। मैंने इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या दिया है दोस्तों, मैंने इस कार्यक्रम का शीर्षक यह दिया है कि इस सरकार का भगवान ही मालिक है। कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। किरण रिजिजू को हटा दिया गया, उनकी जगह अर्जुन मेघवाल आए। अब मैं आपको एक और खबर देता हूं, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश का राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को राजनीतिक पक्षपात से कोसों दूर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी ऐसे पूछते हैं ना, मित्रों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, राज्यपाल को पक्षपाती नहीं होना चाहिए ना? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये सज्जन हैं, राज्यपाल असम के, इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। अभी खबर देखिए एबीपी न्यूज की। राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और उदयपुर से विधायक रहे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के पास कायास्थिति जैन मंदिर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। यह खबर क्या कह रही है? क्या राज्यपाल को यह हरकत करनी चाहिए? हालांकि मैं जानता हूं यह तो बहुत छोटी चीज है। याद कीजिए जब जगदीप धनखड़ राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, तब उन्होंने किस तरह से मोर्चा खोल दिया था, किसके खिलाफ याद है कि नहीं आपको? ममता बनर्जी के खिलाफ। जब वो उपराष्ट्रपति बने तो किस तरह से संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब कोई अडानी का मुद्दा उठाता था या हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करता था, तब जगदीप धनखड़ खड़े हो जाते थे और कहते थे कि देश की नाक नहीं कटने दी जाएगी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा नसीहत दे दी थी राज्यसभा के अंदर। बार बार इसी तरह का चेहरा सामने उभर कर आ रहा था और एक दिन नहीं गुजरता जब जगदीप धनखड़ कोई विवादास्पद बयान नहीं देते। मैं समझना चाहता हूं कि क्या भाजपा के नेताओं को संविधान की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है? असम के राज्यपाल भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? क्या ऐसे देश चलेगा? संविधान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं। एक वो सो कॉल्ड कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच जाते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भाई बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी जो संविधान के खिलाफ है, भड़काऊ बयान देते रहते हैं जो संविधान के खिलाफ है, मगर भाजपा के तमाम मंत्री उनकी आरती उतारते हैं। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, माननीय रिंकिया के पापा तो उन्हें बाकायदा गाड़ी में बिठाकर उनके ड्राइवर बन जाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं ये क्या बीमारी है संघ से जुड़े लोगों में, क्या बीमारी है कि आप संविधान की इज्जत भी नहीं करते हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मोदी सरकार का भगवान ही मालिक है। यहां न मंत्रियों को कोई सलीका है, न राज्यपाल को, न अधिकारियों को। जी हां, ना अधिकारियों को, क्योंकि आप देख चुके हैं समीर वानखड़े, एनसीबी का जोनल प्रमुख, पूर्व जोनल प्रमुख, किस तरह से इस व्यक्ति ने शाहरुख खान से 25 करोड़ ऐंठने की कोशिश की थी। अब इसके खिलाफ जांच चल रही है, मगर वो व्यक्ति जो है इस दायरे में नहीं है। उनके जो बॉस थे, जो इस वक्त बनारस के कमिश्नर हैं, माननीय का नाम है अशोक मुथा जैन, वो भी इसमें शामिल थे। ये जाल कितना फैला हुआ है दोस्तों, सबसे पहले गौर कीजिए इस पर क्या कह रहा है भारत समाचार। आर्यन खान मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अशोक मुथा जैन और समीर वानखड़े का चैट वायरल। भारत समाचार के पास जैन समीर वानखड़े की चैट है और यह चैट हमारे पास भी है दोस्तों। ये देखिए, इसमें दोनों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत यह हो रही है कि इसमें किस तरह की साठगांठ हो। क्या कहता है भारत समाचार, आर्यन खान मामले की पूरी अपडेट ले रहे थे जैन, समीर वानखड़े को लगातार निर्देश दे रहे थे जैन, छापे से लेकर रिमांड तक पल पल का अपडेट ले रहे थे जैन। वानखड़े के हर कारनामे में अशोक मुथा जैन शामिल थे। वानखड़े ने जो किया सीनियर अफसरों से पूछकर किया। एनसीपी के डीजी और अन्य अफसरों की चैट भी वायरल। चैट से ऐसा लगता है जैन वानखड़े का सिंडिकेट था, ये दोनों एक साथ गठजोड़ था, इनका नापाक गठबंधन था। शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली का सिंडिकेट, वानखड़े और जैन से लेकर ऊपर तक के अफसर शामिल थे।
अशोक मुथा जैन अभी बनारस में पुलिस कमिश्नर हैं। सीबीआई अशोक मुथा जैन से पूछताछ करेगी। यूपी सरकार ने अभी जैन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जैन अभी पुलिस कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। बड़ा प्रश्न, ये चैट लीक किसने की? समीर वानखेड़े ने, अपनी जान बचाने के लिए कि सारा दोष जो है उसके सिर पर ना फोड़ा जाए, इसका ठीकरा सिर्फ उस पर ना फोड़ा जाए। ये तमाम मुद्दे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सरकार का भगवान ही मालिक है। ये कुछ भी करते हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मीडिया सवाल नहीं करेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पिछले चार दिनों से गोदी मीडिया में क्या चल रहा है कि डीके शिवकुमार सिंधिया की तरह पार्टी छोड़ देंगे, पायलट की तरह बगावत करेंगे, सिद्धरमैया बनाम डीके शिवकुमार। सिद्धरमैया बन गए मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी खबर हो। बड़ी खबर क्या है? रिजिजू को उनके पद से हटा दिया गया। ये चर्चा आप कहां सुनते हैं? वानखेड़े और अशोक मुथा जैन के बीच में जो नापाक गठबंधन है, ये चर्चा आप कहां सुनते हैं? असम के राज्यपाल भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, ये चर्चा आप कहां सुनते हैं? बताइए, क्या देश के संविधान के लिए, देश के कानून के लिए इन तमाम चीजों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए? सत्ताधारी भाजपा से सवाल किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, बताइए। ये वाजिब सवाल हैं। इस देश की जनता होने के नाते ये सवाल आपको इस सरकार से पूछना चाहिए कि आप संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? अरे, देश का संविधान ही नहीं रहेगा, देश के कानून और उससे जुड़े दिशा निर्देश ही नहीं रहेंगे, तो आपके और हमारे हक कहां रहेंगे भाई? आपके और हमारे अधिकार कुचल दिए जाएंगे अगर इसी तरह से संविधान का अपमान होता रहा। और ये होता भी है, क्योंकि देखिए, इस सरकार पर कोई अंकुश नहीं है, मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं करता है। इसलिए होता क्या है कि जब भी ये सरकार कोई ज्यादती करती है, आम लोगों पर ज्यादती करती है, तो मीडिया कोई सवाल नहीं करता है, मीडिया उल्टा पीड़ित पर ही चढ़ जाता है। मसलन 25 दिन गुजर गए हैं, जंतर मंतर पर हमारी महिला पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर मजाल है कि कोई सवाल भी करे। कितने दुख की बात है ना? मगर क्या आपके लिए दुख की बात है? आप जो इस देश के की जनता जनार्दन है, या आप इसी तरह से ये नंगा नाश देखते रहेंगे? माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर इन तमाम चीजों को लेकर कई बार इतनी कोफ्त होती है, इतनी नाराजगी होती है ना, कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कहते होंगे कि ऐसे ही बोलते रहता है, बोलने दो, भड़ास निकाल रहा है, बर्नौल लगा ले, हैं? ये सब चीजें कहते हैं ना आप लोग। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर बार की तरह मैं आपके हित की ही बात कर रहा हूं। आप अगर ब्रेन वॉश्ड हैं तो बढ़िया बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।